लड़वाया तो का किया कि भाई के दे देगा सब हक अपन, आप अपना भाई के दे दीजिएगा क्या, अपना बेटे को दीजिएगा, आपका वंश कैसे बढ़ेगा, आपके बेटा से क्या मेरा बेटा से, तो वो अपना देखेगा कि आपका देखेगा, ये बताइए क्या लगा? काम ऐसे करेंगे कि उनका बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नारा है, ये कोई जातिवाद इसमें नहीं है, ठीक है। वो बिहारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहीं भी वो सोचते हैं कि हमारा बिहार के लोग बाहर नहीं जाए, बिहार में रहे, अपना इंडस्ट्री यहाँ पर लगाएंगे, अपना काम करेंगे और उससे अच्छा अभी हाजीपुर तो रामविलास पासवान के बेटे के मिजाज में जाएगा सर। हाजीपुर का मिजाज बदलाव हो रहा है, यहाँ से निकल रहे हैं रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान। जो अपने भाई का नहीं हुआ किसका हो सकता है, सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। आप जानते हैं कि एनडीए में सीट बंटवारा बिहार में हो चुका है और हाजीपुर जो है वो फिर से चिराग पासवान के खाते में चला गया है। इस वक्त हम हाजीपुर आए हुए हैं और हाजीपुर में जानेंगे जनता की राय कि क्या इस बार हाजीपुर की जनता की राय है। और वो पशुपति पारस भी दावा कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, जो अब आज केंद्रीय मंत्री परिषद से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। और इस बार जो एनडीए के समीकरण है उसमें पशुपति पारस की जो पार्टी है उसको एनडीए से बाहर कर दिया गया है और चिराग पासवान की पार्टी को शामिल किया गया है एनडीए में। तो हम यहां पर आए हैं और लोगों से राय जान रहे हैं कि क्या, आप इधर आइए बताइए क्या लगता है कि आप जो चिराग पासवान को भाजपा ने मौका दिया है, अब हाजीपुर सीट भी उनको मिल गया है, तो चिराग पासवान को ही हम लोग देंगे, पशुपति पारस तो पास वो किसी काम का है ही नहीं, तो उनको वोट देंगे क्या होगा। मेन उत्तराधिकारी जो रामविलास पासवान का है उसको कौन होगा उत्तराधिकारी, उनका लड़का होगा, रामविलास पासवान का लड़का होगा उत्तराधिकारी, उनको वोट मिलेगा। पारस जी तो बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं, रामविलास पासवान भी जब यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो सारा चीज वो देखते थे। पशुपारस जो है आज तक कोई काम ही नहीं किए तो कैसे कहा जाएगा, हाजीपुर में कुछ नहीं किए अभी तक, कहीं उनका रिकॉर्ड भी नहीं है किसी काम का, तो कैसे क्या लगता है। मतलब पारस जी को तो एनडीए से बाहर कर दिया गया है, अब चिराग पासवान को मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ेंगे, पारस जी भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं हाजीपुर से। नहीं वही क्या, चिराग पासवान जी लड़ेंगे, चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं और जो वर्तमान में एमपी है सांसद है हाजीपुर का वो भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, उन लोग का समर्थन में नहीं है हम लोग। रामविलास पासवान का जो ये क्षेत्र रहा है इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, चिराग पासवान है जी। पारस भी तो उन्हीं के भाई हैं। भाई ना है, उत्तराधिकारी तो बेटा ना होता है, भाई थोड़ी होता है। चिराग जी के ऐसे भी यहाँ उनका रिजर्व सीट है, वो किसी बिहार पे वो जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता उनको। पशुपति पारस का संगठन चलाने का अनुभव है और आपके यहाँ काम भी कर रहे हैं और अगर यहाँ आएंगे चिराग पासवान तो जितने बेरोजगार है रोजगार देने का काम जरूर करेंगे। इसमें ये रोजगार देने का कैसे काम करेंगे उनको, क्या आपको लगता है। प्राइवेट संस्था से जरूर किसी न किसी रोजगार देने के काम ऐसे करेंगे कि उनका बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट के नारा है, ये कोई जातिवाद इसमें नहीं है, ठीक है। वो बिहारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कहीं भी वो सोचते हैं कि हमारा बिहार के लोग बाहर नहीं जाए, बिहार में रहे, अपना इंडस्ट्री यहाँ पर लगाएंगे, अपना काम करेंगे और उससे अच्छा अभी मतलब हाजीपुर में कोई नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ये लोगों का मानना है और लगातार लोग राय दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब चिराग पासवान को अब मौका मिल रहा है, पशुपति पारस को अब मौका। अरे हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम कमाएंगे तो खाएंगे, सीधा बात। वोट नहीं देंगे तो कैसे, भारतीय नागरिक है, आप बताइए कि रामविलास पासवान को उत्तराधिकारी कौन होगा। अरे चिराग पासवान होगा और कौन होगा, पशुपति पारस को उन्होंने बेटा के भाई पटदार रहा है, गजब बात है। लेकिन रामविलास पासवान अपने जिंदगी में उनको यहाँ से चुनाव लड़वाया तो का किया कि भाई के दे देगा सब हक अपन, आप अपना भाई के दे दीजिएगा क्या, अपना बेटे को दीजिएगा, आपका वंश कैसे बढ़ेगा, आपके बेटा से क्या मेरा बेटा से, तो वो अपना देखेगा कि आपका देखेगा, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार पशुपति पारस की चिराग पासवान। भाई इधर तो हम इधर के नहीं, हम किशनगंज के तरफ के, किशनगंज के। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताओ भाई कि तुम युवा हो, क्या लगता है कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन होगा। नहीं किशनगंज का है, हम भी किशनगंज का है, किशनगंज के हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप बताइए क्या लगता है कि जो इस बार एनडीए गठबंधन से
पारस पशुपति पारस की पार्टी को बाहर कर दिया गया है और चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया है। हाजीपुर भी है, हाजीपुर रामविलास पासवान का बहुत लंबा करियर रहा और हाजीपुर में रिकॉर्ड कायम करते रहे लोकसभा चुनाव में वोट के अंतर में। तो उम्मीदवार दो हो गए हैं, एक भाई है एक बेटा है, उत्तराधिकारी किसको मानती है हाजीपुर की जनता? उत्तराधिकारी तो उनका बेटा ही होगा ना, रामविलास जी का बेटा ही उत्तराधिकारी है। पारस जी तो इतना लंबे समय से काम कर रहे हैं और रामविलास पासवान उनको यहाँ पर टिकट दे करके अपने साथ लड़वाए थे और सामने करवाए थे, वो जमुई से चिराग लड़ते रहे हैं। नहीं, उत्तराधिकारी की बात की ना, तो उत्तराधिकारी तो पुत्र ही होता है। अगर इस बार चुनाव दोनों भाई और बेटा अगर लड़ता है रामविलास जी का, तो फिर किसके तरफ जनता का मूड? जनता अगर रामविलास पासवान को चाहती थी उनके उन्हीं के साथ जाएगी। वो रामविलास पासवान का एक भाई है एक बेटा है, फिर बेटा बेटा के साथ जाएगा, बेटा के साथ जाएगा। देखिए जो लगातार जो है वो बातचीत लोगों से किया जा रहा है और मतलब स्पष्ट तौर पर लोग कह रहे हैं कि रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी है वो उनके बेटे को दे दिया जाएगा। और यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है एनडीए में चीजें गड़बड़ हो रही है और पशुपति पारस को बाहर कर दिया गया है और रामविलास जी के जो बेटे हैं उनको लाया गया है, तो उत्तराधिकारी के तौर पर अब हाजीपुर किसके हाथ में जाएगा? हाजीपुर तो रामविलास पासवान के बेटे के में जाएगा सर। पशुपति पारस भी चुनाव लड़ेंगे? वह तो उनको समस्तीपुर से टिकट दिया गया है ना। पशुपति पारस तो बोलते हैं हाजीपुर से लड़ेंगे हम, तब दोनों में अपने टक्का होगा, देखिए ना दोनों में क्या होगा। मतलब हाजीपुर का मिजाज क्या है, हाजीपुर क्या चाहते हैं? हम लोग सर महादिना के वासी, हम लोग तो यहाँ के मिजाज के बारे में नहीं जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार हाजीपुर का मिजाज क्या है? हाजीपुर का मिजाज बदलाव हो रहा है, यहाँ से निकल रहे हैं रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान। पशुपति पारस भी तो आपके यहाँ एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो यहाँ क्या काम किए? आपको कितना दिन आपको हाजीपुर विधानसभा में देखने को मिला है, चाहे लोकसभा के क्षेत्र है उनका, कहा कितना दिन आपको देने का देखने को मिले यहाँ, कितना बार देख रहे हैं आम जन के लिए? कोई एक ऐसा काम बताइए जो कि वो आम जन के लिए किए हो। चिराग पासवान घूमते थे? चिराग पासवान तो यहाँ से सांसद ही नहीं है, उनका जमुई क्षेत्र है, जाकर देख लीजिए। आज के डेट में आप रामविलास पासवान पर लेकर आइए, क्योंकि वो यहाँ से नहीं, अभी चिराग पासवान यहाँ से सांसद नहीं है, ठीक है? जब सांसद होंगे तब की बात कीजिएगा। कारण का है कि यहाँ से रामविलास पासवान है, जोनल ऑफिस है रेलवे में, पूरे भारत में 7 गो जोनल ऑफिस में 1 जोन है, रेलवे चक्का पे रामविलास पासवान का देन है, होटल मैनेजमेंट रामविलास पासवान का देन है, तो उसको कैसे वोट नहीं दीजिएगा? किस क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस का है नहीं, किस आधार पर? वो पान के नाम पर आए थे जो आदमी, तो रामविलास पासवान ने ही टिकट दिलाया था, वो लड़े थे, लड़े थे, तो अब वो अलग है ना, जो अपने भाई का नहीं हुआ किसका हो सकता है, सबसे बड़ी बात है।